नमस्कार, स्वास्थ्य क्रिएशन पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सस्ते और लो बजट इयररिंग्स का कलेक्शन, जो कि आपको बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देंगे। अगर आप ट्रेडिशनल लुक चाहते हैं तब भी आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। तो ये इयररिंग्स आपको ऑल इन वन का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो पर, जो कि है इयररिंग्स पर। ये जो इयररिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और टिप्स आपको बताने जा रही हूँ, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी हो या फेस्टिवल हो या वेडिंग हो या सेरेमनीज़ हो या आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आप इन्हें हमेशा कैरी कर सकते हैं। सीरियसली गाइस, इन इयररिंग्स पर आपको 50 रुपये से ज़्यादा का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इयररिंग्स आपको इन 15 रुपीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। या तो आप इन्हें ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। टिप्स बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जो कि सब्सक्राइब बटन के पास में होता है, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं टिप्स की तरफ। तो आज का हमारा जो टिप है मैं आपको देना चाहूँगी, वो टिप नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले, अगर आप कुछ भी इयररिंग्स खरीदने जाते हैं या चूज़ करते हैं, तो उससे पहले आपको ड्रेस और जो पर्पज़ है आपका, किस पर्पज़ के लिए आप ख़रीद रहे हैं, उसे चूज़ करना है। मतलब अगर आप कॉलेज पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो आप जो सिल्वर में जो विदाउट किसी पर्टिकुलर कलर की जो इयररिंग्स आते हैं, या झुमकी आती है या चांद वाली आती है, वो आपको कैरी करनी चाहिए। मतलब आपको इसमें कोई भी कलर वाले जो बीट्स आते हैं वो नहीं लेने हैं। अब चलते हैं हमारे टिप नंबर 2 पर। आपको जो इयररिंग का जो सिलेक्शन करना है वो आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका फेस छोटा है तो आप छोटी झुमकी कैरी करें, आपको बड़ी झुमकी नहीं लेना है। अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको झुमकी का सिलेक्शन करना है। और अगर आपका फेस बड़ा है, लंबा है, तो आपको जो लंबे डेंगलर्स जो आते हैं इयररिंग्स, उनको आप कैरी कर सकते हैं और लंबी झुमकियाँ ले सकते हैं। आइए चलते हैं आज का हमारा जो टिप नंबर 3 है। आपको अपने पास इनके अंदर सारी जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और जो कलर्स होते हैं वो रखने चाहिए, ताकि आपकी कुछ भी ड्रेस आप कैरी करें उसके साथ ये मैच हो सकें और आप इन्हें कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी ओल्ड फैशन नहीं हो सकते हैं। सूट हो या साड़ी हो, लहंगा हो या जीन्स हो या एथनिक वियर हो, आप इनको सब में कैरी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इयररिंग्स की डिज़ाइन। ये सारे इयररिंग्स जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये 50 रुपये से कम की रेंज में हैं। मैंने इनका सारा ऑनलाइन एनालिसिस किया है और मैंने लिंक इनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइंस मैंने आपको दिखाई हैं, किसी की रेंज 1 रुपीज़ में भी अवेलेबल है, कुछ 25 में अवेलेबल है, कुछ 29 का पीस है, कुछ 45 की रेंज में है। और ये जो कश्मीरी झुमकीज़ है वो भी मैंने आपको दिखाई है, सिल्क थ्रेड में जो इयररिंग्स आते हैं वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो अगर आप इन्हें ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं या लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइंस आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं, क्योंकि ये जो मैंने हूप में इयररिंग्स दिखाए हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा लुक देते हैं अगर आप इन्हें जीन्स वगैरह के साथ कैरी करते हैं। क्योंकि मार्केट जाने से पहले आप अगर पर्टिकुलर कुछ आइडिया करके जाएं, कि एक पर्टिकुलर इमेज अगर आपके दिमाग में होती है तो आप उसी चीज़ पर फोकस करते हैं, नहीं तो आप कुछ भी खरीद लाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देखिए कि जो मैंने डिज़ाइंस यहाँ डाली हैं, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और मैंने सारे डिज़ाइंस का एनालिसिस किया है उसी के बाद आपको लिंक दिए हैं। अब फिर भी अगर आपको कुछ इनका क्वालिटी इश्यू होता है तो आप इन्हें रिटर्न भी कर सकते हैं। आप देखिए कि जो मैंने सारी डिज़ाइंस डाली हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ रखी हैं, जैसे कि जीन्स के अकॉर्डिंग अलग वेराइटीज़ रखी है, झुमकी वाला पैटर्न भी रखा है सूट के अकॉर्डिंग, और जैसे जो एथनिक वियर होता है, ये नंबर 9 वाला जो पैटर्न है ये एथनिक और ट्रेडिशनल लुक के लिए हिसाब से है। जीन्स के लिए आप जो हुप वाला जो पैटर्न था गोल में, जो इयररिंग्स दिखाए हैं मैंने आपको, वो आप कैरी कर सकते हैं। ये जो कश्मीरी झुमकियाँ हैं, इन्हें आप सूट कुर्ती वगैरह इनके साथ कैरी कर सकते हैं। तो जो नंबर 5 और जो ये नंबर 10 वाला डिज़ाइन है, नंबर 11 भी आप देख सकते हैं, वो मुझे बहुत ही पसंद आया है। आप भी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करवाएं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।